संजू सैमसन की मैंने दो देखी, मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक इज डूइंग वंडर्स। मेहरबानो कदरदानो, क्या मैच हुआ है, मैंने जिंदगी में नहीं देखे रिकॉर्ड साज यहाँ परफॉर्मेंस कर दी है। कभी कुर्सी से मैं उछलता था, कभी बैठ जाता था, और मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने, अपनी क्वालिटी दिखाई। रोहित शर्मा के बाद सबसे सुथरा छक्का, आसानी से छक्का लगाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज है। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल, हाईएस्ट एवर, इतनी मार 300 रन तो हमारे वाले 50 ओवर में बड़ी मुश्किल से करते हैं। मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में कभी 297 का फिगर सुना है? कभी मारते है किसी को नहीं देखा, सारा आज भाग भी गया है। तो बजाया किसने है? तो बजाया के पापा यानी इंडिया ने है। ये बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। कितने आदमी थे ठाकुर संजू सैमसन था? कितने आदमी थे संजू सैमसन था? कितने आदमी थे संजू सैमसन? भाई साहब ऐसे ऐसे कौन मारता है, मतलब बुरा हाल, ऐसे भगा भगा के धो के धोबी पचाड़ कसाईयों वाली इनिंग्स खेल के गए। मतलब एक ओवर में 5 बैक टू बैक रिशाद हुसैन को छक्के पड़ रहे। संजू सैमसन तो एक अलग ही आत्मा के साथ बाहर निकल के आ गया। संजू सैमसन एक रिन्यूड विल के साथ जो है मैदान में उतरे हैं, फिजिकली फिट दिख रहे हैं, और फिर इनकी सोच जो है अब यही है कि मैंने सुपरस्टार बनना है। और उनके पास ऐसी परफॉर्मेंस के बाद मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये मैच बना। शुक्र मनाओगे बस नहीं पाकिस्तान की, ना कोई टेस्ट की, ना कोई वनडे, ना T20, कोई इनकी सीरीज नहीं हो रही, वरना ये कुटकुटापा प्रोग्राम इतना लगना था कि बस याद रखते ही। 111 रन संजू सैमसन, घंटे के किंग के 300 इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस घंटे के किंग का मुझे नेक भी ऐसा 100 निकाल दो जिसमें 236 का स्ट्राइक रेट हो। 22 सिक्सेस, 25 फोर्स, ये अनरियल। नहीं, ये क्रिकेट है? ये कौन सी क्रिकेट है? ये कोई टीम है? नमस्कार दोस्तों, इंडिया को फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच में जो दोस्तों भारत ने जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि भारत का दो रिकॉर्ड 297 रन, इसी को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, भारत का 297 रन देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया हिल गया है। और दोस्तों जो संजू सैमसन ने आज अपना प्रदर्शन दिखाया है, भाई मजा आ गया। और दोस्तों इसी को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया, रमीज राजा, शोएब अख्तर, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है घबरा गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऐसी कुटाई, ऐसी धुलाई, एब्सोल्यूट कार्नेज, तबाही, एब्सोल्यूट तबाही, बहुत ही खून खराबा कर दिया भाई हैदराबाद के मैदान में। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल, हाईएस्ट एवर, इतनी मार 300 रन T20 के खेल में, 300 रन तो हमारे वाले 50 ओवर में बड़ी मुश्किल से करते हैं। 300 रन इन अ T20 गेम, बांग्लादेश को इतना मारा, इतनी मार कि बस पूछे मत। संजू सैमसन 40 गेंदों पे 100, 40 गेंदों पे इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट, अनबिलीवेबल। सिर्फ 3 रन से ये चूके हैं, वरना 300 के पार हो जाता, और टेस्ट प्लेइंग नेशन का इससे बड़ा टोटल आज तक बना नहीं किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में, किसी एक में भी इतना नहीं बना। क्या 5 छक्के मारे संजू सैमसन ने, 5 मुसलसल गेंदों पे 5 छक्के। वो पहला गेंद कहीं ना कहीं मिस हो गया, वरना उस पर भी छक्का लगता तो 6 छक्के। वो दवे सूर्या कुमार यादव और एंड पे वो पराग और वो पांड्या, किस किस से जान छूटेगी तुम्हारी, किस किस से जान तुम्हारी छूटेगी, किसी एक से भी नहीं। चलो 2-4 आउट भी कर लोगे तो कौन कौन, हर कोई 160-170-180 के स्ट्राइकर से तो खेलता है। ऐसे लग रहा था वीडियो गेम में चौके लग रहे, वीडियो गेम में छक्के लग रहे हैं। 6-7 ओवरों में 100, 10 ओवरों में 150, अगले 10 ओवरों में 300। तो ये वीडियो गेम पे मैच चल रहा है या ये मैदान में मैच चल रहा है? टेस्ट प्लेइंग नेशन का, किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ ये सबसे बड़ा टोटल है, इससे बड़ा टोटल आज तक बना नहीं, अनबिलीवेबल। क्या कुटाई की है संजू सैमसन ने, उस बंदे में इतना दम है, इतना टैलेंट है वो, तो देखें अभी उस कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, आज कैसी उसने हिटिंग किया। सूर्या कुमार यादव भी दुनिया का बेहतरीन हिटर है, लेकिन एट टाइम्स आज उसने उसको भी पीछे छोड़ा जिस तरीके से उसने हिटिंग की है कि नहीं? ऐसी लाजवाब हिटिंग। और पाकिस्तान ऐसी पिच बनाए तो तुम्हारे फिर भी नहीं खेल सकते, वो तो 6 ओवरों में 40-50-55 बहुत हाथ मारी, तो ये उनका टोटल होता है। ये भाईजान ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो गेम में मैच चल रहा है, एब्सोल्युटली ऐसा ही कि वीडियो गेम में मैच चल रहा है, ये रियलिटी में तो हो ही नहीं रहा। रियलिटी में कैसा कि एक ओवर में 5-5 छक्के लग रहे हैं, हर बॉलर की इतनी कुटी, 22 छक्के जी, ओवर 20 है, छक्के 22 है। शुक्र मनाओगे बस जी पाकिस्तान की, ना कोई टेस्ट की, ना कोई वनडे, ना T20, कोई इनकी सीरीज नहीं हो रही, वरना ये कुटकुटापा प्रोग्राम इतना लगना था कि बस याद रखते ही। हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव, ये ऐसी टीम। अब वो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, 50 में भी जाके जफ्फी डाली है उसको संजू सैमसन को, फिर उसको 100 पे भी जाके जफ्फी डाली है, because he desperately want to say, पता है कि इस बंदे में इतना टैलेंट है, फिर क्या स्माइल दिया है, वाह यार, you have done it, you have all the potential in the world and you will do wonders and this guy will do the wonders, I'm telling you, he's too good, he's amazing। और ये बीच में consistent chance देने की बात है, और ऐसी hitting ये अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। 297 मतलब T20 क्रिकेट में 297 सुना है कभी, इमेजिन किया कभी? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं,
मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में कभी 297 का फिगर सुना है? कभी मारते है किसी को नहीं देखा, सारा आज भाग भी गया है। बजाया किसने है? बजाया के पापा यानी इंडिया ने है। बजाया किसको है? बांग्लादेश को, उस बांग्लादेश को जो आपके घर में आके आपको 2-0 टेस्ट क्रिकेट में मार के गई हुई है, उस बांग्लादेश को जिसने आपसे पहला टेस्ट मैच 10 विकेट से जीता था। पकड़ कर मुझे हो दिया 297, मेरा सर फट रहा है। टी ट्वेंटी क्रिकेट में 297 टीम इंडिया ने आज मार दिया है, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। यंग टीम इंडिया, यंग टीम इंडिया ने 297 पकड़ के मारा बांग्लादेश को। इसे कहते हैं प्रॉपर टी ट्वेंटी क्रिकेट, इसे कहते हैं टिपिकल टी ट्वेंटी क्रिकेट। और हमारे कंट्रियों के 120 नहीं चेद होता टी ट्वेंटी में, हमसे इंडिया के आगे 120 नहीं चेद होता वर्ल्ड कप में, हमसे जिम्बाब्वे के आगे 130 नहीं चेद होता वर्ल्ड कप में। और हम बॉब्जी भी किंग, रिजवान, बुल्लर, लिपस्टिक मौलवी को ले गए जी, टी ट्वेंटी का ब्रैडमैन है जी रिजवान, मेरा छनकना ब्रैडमैन है। और भाई इंडिया की क्रिकेट देखो 297, मेरा सर घूम रहा है, मेरा ना सर घूम रहा है पकड़ के, ये क्या हो गया, और ये किस तरह की क्रिकेट है, इतनी तबाही वाली क्रिकेट। शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू। देखो टीम इंडिया को, संजू सैमसन 111 रन निकल, तेरे बाप संजू सैमसन ने 111 रन मारे हैं, कभी तेरे घंटे गए किंग। जिम्बू, निपालू, कोटू, चमकीले रिजवान ने कभी इस तरह के मारे हैं? वो तेरा जिम्बू और चमकीला रिजवान कभी इस तरह खेला है? मुझे बता ना, वो चमकीलू इस तरह कभी खेला है? 297 टी ट्वेंटी क्रिकेट में होता है? मुझे बता दो ना, आप तो वनडे में भी नहीं करते। शेम ऑन यू यार, उनका यंग टैलेंट देख रहे यार, वत्तबाई खेल रहा है, उनका कप्तान देखो, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देखा है। क्या किया आज इंडिया ने, वहां 111 रन, संजू सैमसन लड़के ने बता दिया कि भाई अब रखो मुझे, 8 छक्के 11 चौके, 236 का स्ट्राइक रेट जो है वो संजू सैमसन, घंटे के किंग के 300 इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस घंटे के किंग का मुझे नेक भी ऐसा 100 निकाल दो जिसमें 236 का स्ट्राइक रेट हो। टी ट्वेंटी क्रिकेट में भाईजान, इंटरनेशनल क्रिकेट में दो टेस्ट प्लेइंग नेशंस खेल रही हैं, 300 हो गए, 297 ऑलमोस्ट 300 ही कहेंगे ना भाईजान इसको, टेस्ट प्लेइंग नेशन 22 छक्के यार, ये क्या क्रिकेट है भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई आप लोग, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की क्रिकेट बैन करें आप। हमें चाहिए बाबर और रिजवान वाली क्रिकेट, बाबर और रिजवान वाली क्रिकेट होती है क्रिकेट। देखे 120 बॉलें 150 रन, तकलीफ नहीं होने चाहिए, अब 120 बॉलें 300 रन, ये कौन सी क्रिकेट है? ये बहुत ना इंसाफी है ठाकुर, कितने आदमी थे ठाकुर, संजू सैमसन था, कितने आदमी थे संजू सैमसन था, कितने आदमी थे संजू सैमसन, वो कहते ना संजू कौन है जनाबे, वो ही है जिसने कुछ 7-8 साल हो गए ने, पहला शो आया और आया भी इन ग्रैंड स्टाइल है, मार मार के दुम्बा बना दिया, 22 सिक्सेस, 25 फोर्स, बस इस ये अनरियल। नहीं नहीं, ये क्रिकेट है, ये कौन सी क्रिकेट है, ये कोई टीम है, चिप डाल देते हैं बांग्लादेश को जी, नहीं नहीं नहीं, चिप डालते हैं, इस पूरे टूर में सिर्फ बिरयानी बचेगी, बिरयानी के डब्बे चिप डालते हैं, दो तीन बिरयानी चिप डालते हैं, पिच चेंज कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। इंडियंस, आप टेस्ट में भी, आप वनडे में भी, आप टी ट्वेंटी में भी, आप ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं यार, अब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, आईसीसी को इस पे नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत ही बदतमीजी वाली बात है कि आप घर बुला के मेहमानों के साथ ये स्लू करते हैं। सूर्या कुमार है टी ट्वेंटी का नंबर वन आईसीसी का, वो 23 बॉलों में 50, संजू सैमसन जिसे बल्ला नहीं पकड़ना आता 22 बॉलों में 50, ये कौन सी क्रिकेट खिला रहे हैं भाई आप, नहीं ये गलत बात है मोहसिन साहब, ये बैन करें इंडियन क्रिकेट को, घर में बैन कर दें, क्या आप घर में नहीं क्रिकेट के भाई साहब, ऐसे ऐसे कौन मारता है, मतलब बुरा हाल, ऐसे भगा भगा के, धो धो के, धो भी पचाड़, कसाईयों वाली इनिंग्स खेल के गए, संजू सैमसन, सूर्या कुमार यादव, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जो आ रहा है वो मार रहा है, जो आ रहा है वो मार रहा है, मतलब भाई साहब ये सूर्या कुमार यादव ने अपनी टीम के अंदर क्या फूंक दी है कि जिस तरह मैं हूं उसी तरह सब कुछ है, मतलब एक ओवर में 5 बैक टू बैक रिशाद हुसैन को छक्के पड़ रहे हैं, संजू सैमसन तो एक अलग ही आत्मा के साथ बाहर निकल के आ गया, पहली 50 22 बॉलों में मुकम्मल की, उसके बाद 19 बॉलों के अंदर संजू सैमसन ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, मतलब यहां 40 बॉल सेंचुरी जिसमें 8 छक्के 9 के मौजूद थे, एक ही ओवर में 5 छक्के, ना सूर्या रुक रहा है ना संजू रुक रहा है, और इंडिया वो वाहिद और पहली टीम बन चुकी है फुल मेंबर नेशन का, ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तोबा तोबा तोबा, मतलब इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, भगा भगा के मारा है कि दुम्बा बना दिया भाई साहब बॉलरों का, मतलब संजू ने तो 40 बॉलों पे सेंचुरी बनाई बनाई, लेकिन जिस तरीके से बनाई वो सबसे बड़ा अमेजिंग पार्ट है, क्योंकि दैट बॉय नेवर लुक बैक, चाहे बैक फुट पे पुल शॉट्स और स्पिनर्स के खिलाफ, फ्रंट फुट पे आके मेन अपने जोन के अंदर पड़ी हुई बॉलों को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर स्लैप शॉट्स, मतलब